और इसी बीच उन्नाव से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया है। इस बीच बड़ी खबर, उन्नाव से दो बच्चों के अपहरण का मामला आया सामने। पुलिस ने दोनों बच्चों का मेडिकल करवाया, वही खेलते समय घर के बाहर से उनका अपहरण हुआ था। बच्चों के नाम मिलने पर परिजनों ने रिपोर्ट कराई थी और बच्चों के अपहरण की सूचना पर गांव में चलाया गया था सर्च अभियान। तो बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के नेवल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो मासूम बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया और दोनों बच्चों को खेत में फेंक कर फरार हुए अपहरणकर्ता और एक एक घर की तलाशी अभियान से डरे अपहरणकर्ता। और इस बीच अपहरणकर्ताओं ने दोनों बच्चों को खेत में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों बच्चों का मेडिकल करवाया है। खेलते समय घर के बाहर से अपहरण हुआ था इन बच्चों का। बच्चों के नाम मिलने पर परिजनों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी और अपहरण की सूचना पर गांव में सर्च अभियान चलाया गया था। हर घर की तलाशी ली गई थी और बांगरवो कोतवाली क्षेत्र के नेवल गांव का ये पूरा मामला है। तो बताते चले आपको, अपहरणकर्ता दोनों बच्चों को खेत में फेंक कर वहां से फरार हो गए थे। एक एक घर की तलाशी अभियान से अपहरणकर्ताओं में इस बात को लेकर डर था, वहीं सकुशल बच्चे मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशु अवस्थी हमसे जुड़ चुके हैं। आशु, उन्नाव में दो मासूम बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें अपहरणकर्ताओं ने उन्हें खेत पर छोड़ा और वहां से फरार हो गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें बांगरमो थाना क्षेत्र के नेवलपुर निवासी मोहम्मद आलम की 4 वर्षीय पुत्री और 3 वर्षीय भांजा तयाब मंगलवार शाम 4 बजे घर से खेलने के लिए निकले थे। काफी खोजबीन के बाद जब दोनों घर के बाहर से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके माँ बाप हैं उनके मन में एक वो आता, जिसको देखते हुए उन्होंने जो बांगरमो कोतवाली है वहां पर जाकर प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पाने के बाद जो बांगरमऊ फोर्स है, फोर्स जाकर के गांव में छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद में वही गांव के खेत में जो जो अपहरणकर्ता है वो उन बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बांगरमऊ पुलिस की सतर्कता के चलते जो दोनों मासूम है उनकी जान बच पाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो है इसमें बड़ी भूमिका नजर आ रही है। आशु, क्या अपहरणकर्ताओं के बारे में कोई जानकारी मिल सके? फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस पूरे मामले में जो पुलिस है, पुलिस जैसे ही अपहरणकर्ताओं की खबर पुलिस को मिलती है, सूचना मिलती है कि दो बच्चों का अपहरण हो, उसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो गांव के मकान है घर उनकी छानबीन शुरू करती है। छानबीन शुरू करने के बाद में गांव के खेत में ही बच्चे जो है अपहरणकर्ताओं के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो बांगरमो पुलिस इस पूरे मामले में गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। हालांकि जो अभी आला अधिकारी है इस पूरे मामले में उन्होंने कोई भी बयान जारी नहीं किए हैं। जी ऐसी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्नाव में दो मासूम बच्चों के अपहरण का मामला और दोनों बच्चों को खेत में फेंक कर फरार हुए थे अपहरणकर्ता। वहीं पुलिस ने हर घर के इस दौरान तलाशी ली थी और इससे डरे हुए थे अपहरणकर्ता और इस दौरान दोनों बच्चों को खेत में फेंक कर वहां से हुए फरार। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।